दिस रूम। हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू, कैसे हैं आप सर? आप देख रहे हैं सूर्य बीएससी क्लासेस, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज का वीडियो केवल उन विद्यार्थियों के लिए है जिन्होंने बीएससी के अंदर इस साल अपीयर किया है। सिलेबस की बात हम नहीं करेंगे, आज हम इस वीडियो में केवल पेपर सेटअप की बात करेंगे। नए विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो बहुत यूज़फुल होने वाला है। देखिए, सिलेबस आप नेट के ऊपर डाउनलोड करके देख सकते हैं। यहाँ पर हम केवल पेपर सेटअप की बात करेंगे। पेपर सेटअप में क्या होता है कि बीएससी के अंदर कोई सा भी ईयर हो, तीन पेपर होते हैं, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, तीनों में तीन तीन पेपर होते हैं। तीनों पेपरों के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं, कितने उसमें से हमको करने होते हैं, कौन सा कितने नंबर का आता है, ये फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को बिल्कुल भी मालूम नहीं होता है। तो ध्यान से लास्ट तक इस वीडियो को देखिए, आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है ये वीडियो। देखिए, बेसिकली पेपर तीन भागों में डिवाइड होता है। मैं एक ही पैटर्न के आधार पर तीनों पेपरों का डिवाइडेशन करके आपको बता रहा हूँ। हमारे पास जो बीएससी का पेपर आता है, चाहे वो फर्स्ट ईयर का हो, चाहे सेकंड ईयर हो या थर्ड ईयर हो, तीन भागों में डिवाइड होता है। यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ मैंने ये तीन भाग बना दिए हैं। पहला भाग ए यानी ए भाग, बी बै भाग और सी से भाग। पहले भाग के अंदर बहुत छोटे छोटे डेफिनेशन टाइप क्वेश्चन आते हैं, फॉर्मूले आ सकते हैं, छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं, एक से लेकर के दस तक यहाँ पर टेन क्वेश्चन होते हैं। ये जो भाग होता है ये कंपलसरी भाग है, इसको आपको करना ज़रूरी है। अगर इसमें से कोई भी एक क्वेश्चन अगर आपको नहीं आता है तो उसके मार्क्स आपके कट जाएंगे, यानी कि ये दसों के दसों प्रश्न हमको करना ज़रूरी है। सेकेंड भाग के अंदर हमारी जो बुक्स होती है फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में, पांच यूनिट के अंदर डिवाइड होती है और उन पांचों यूनिटों के प्रश्न यहाँ पर आते हैं। जैसे यूनिट फर्स्ट, इस यूनिट में से दो क्वेश्चन आएंगे, इस यूनिट में दो क्वेश्चन आएंगे और इसी तरीके से पांचों यूनिट में से दो दो प्रश्न आते हैं। हर यूनिट में से दो दो प्रश्न आते हैं, तो पांचों यूनिट में से दो दो क्वेश्चन आते हैं, तो हम प्रत्येक यूनिट में से केवल एक ही क्वेश्चन को अटेंड करते हुए पांचों यूनिट में से केवल पांच क्वेश्चनों को करते हैं। इसी तरीके से पांचों यूनिट के क्वेश्चन आ जाते हैं। सी सेक्शन की बात करें तो यहाँ पर चार क्वेश्चन रेगुलर आते हैं, 1, 2, 3, 4, फोर क्वेश्चन होते हैं और इनमें से हमको केवल कोई से भी दो प्रश्नों को करना ज़रूरी होता है। कोई से भी दो आप कर सकते हो, पहला तीसरा कर सकते हैं, सेकंड फोर्थ कर सकते हैं, फर्स्ट थर्ड कर सकते हैं, कोई से भी दो क्वेश्चनों को हमें यहाँ पर करना होता है। अब मैं इनकी मार्किंग आपको बताता हूँ कि मार्किंग कैसे आती है। अगर हम बीएससी फर्स्ट ईयर की बात कर रहे हैं, बीएससी फर्स्ट ईयर की बात कर रहे हैं, तो पहले भाग के जो प्रश्न आते हैं वो हाफ मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, यानी बीएससी फर्स्ट ईयर का जो फर्स्ट पेपर होता है वो 50 मार्क्स का होता है। बीएससी फर्स्ट ईयर का फर्स्ट पेपर 50 मार्क्स का होता है। ये सभी प्रश्न आधे आधे नंबर के होते हैं, तो उस हिसाब से ये पाँच नंबर का भाग है। सेकंड भाग के अंदर जो पाँच यूनिट हमारे पास है, प्रत्येक यूनिट में से हमको एक एक क्वेश्चन करना है, प्रत्येक प्रश्न पाँच नंबर का होता है, तो पाँच क्वेश्चन हो जाते हैं 25 नंबर के। तो ये पाँच नंबर का भाग हो गया, ये 25 नंबर का भाग हो गया। और सेकंड सी सेक्शन जो होता है, यहाँ पर ये चार क्वेश्चन आते हैं जिनमें से हमको केवल दो करने हैं, तो वो 10-10 नंबर के दो प्रश्न होते हैं, यानी कि ये 20 नंबर का भाग हो गया। तो टोटल मार्किंग अगर हम करें तो 5, 25, 30 और 20, 50 नंबर का फर्स्ट पेपर होता है। इसी तरीके से बीएससी फर्स्ट ईयर में ही सेकेंड और थर्ड पेपर का पैटर्न भी ऐसा का ऐसा ही है, लेकिन उनकी मार्किंग थोड़ी चेंज हो जाती है और वो 75 मार्क्स के हो जाते हैं। पेपरों के अंदर क्वेश्चन को अटेंड करने का सिस्टम वही है, पहले में पूरे प्रश्न करने हैं,
करना है, तीसरे में से केवल दो करने हैं, लेकिन सेकंड और थर्ड पेपर के अंदर पहले भाग के जो क्वेश्चन होते हैं वो एक एक नंबर के हो जाते हैं, इसलिए वो 10 नंबर का भाग हो जाता है। बी सेक्शन के अंदर प्रत्येक प्रश्न 7 नंबर का होता है, इसलिए वो 35 मार्क्स का हो जाता है। और सी सेक्शन के अंदर जो दो क्वेश्चन हमको अटेंड करने होते हैं वो 15-15 पर क्वेश्चन होता है, तो 30 नंबर यहाँ हो जाते हैं। तो इस हिसाब से ये 75 मार्क्स के पेपर हो जाते हैं दोनों। तो फर्स्ट ईयर के अंदर फर्स्ट पेपर 50 नंबर का होता है और सेकंड और थर्ड पेपर 75 नंबर का होता है। अगर बीएससी सेकंड ईयर की बात करेंगे तो सेकंड ईयर के अंदर सेकंड पेपर 50 का होता है और फर्स्ट और थर्ड पेपर 75 मार्क्स के होते हैं। बीएससी थर्ड ईयर के अंदर थर्ड पेपर 50 का होता है और फर्स्ट और सेकंड पेपर जो होता है वो 75 मार्क्स का होता है। अब देखना यह है कि दो पेपर तो 75 मार्क्स के हैं और एक पेपर 50 नंबर का है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर 25 नंबर का एक प्रैक्टिकल भी होता है। फर्स्ट ईयर में फर्स्ट पेपर में प्रैक्टिकल होता है, सेकंड ईयर में सेकंड पेपर का प्रैक्टिकल होता है, थर्ड पेपर में थर्ड ईयर के अंदर थर्ड पेपर का प्रैक्टिकल होता है, 25 मार्क्स का होता है। तो तीनों पेपर 75 मार्क्स के हो जाते हैं, इसलिए टोटल मार्किंग जो मैथमेटिक्स में आती है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर या थर्ड ईयर कुछ भी हो तो 225 मार्क्स की होती है, जिसमें से हमको 25 नंबर तो प्रैक्टिकल के होते हैं, 200 नंबर की थ्योरी होती है, और थ्योरी के अंदर जो हमारे पास मिनिमम मार्क्स होता है पासिंग वो होता है 72 नंबर एग्रीगेट मार्किंग हमको चाहिए पासिंग होने के लिए, लेकिन हमको पास ही नहीं होना है, हमको बहुत अच्छे नंबर लाने हैं। इस पेपर पैटर्न के आधार पर हम अपनी स्टडी को देख सकते हैं कि हमको किस तरीके से ज़्यादा नंबर आ सकते हैं। मान लिया कि किसी यूनिट में केवल दो ही एक्सरसाइज हैं और एक एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा हार्ड हमें लग रही है और एक बहुत इजी है, तो हम हार्ड वाली को छोड़ देंगे, क्योंकि दोनों एक्सरसाइज में से 100% एक एक क्वेश्चन आना है और करना हमको केवल एक ही है, इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि अगर हमने एक प्रश्नावली छोड़ दी तो शायद हमारे नंबर कम हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। जो प्रश्नावली इजी लगती है उसको करेंगे। तो इसी फॉर्मूले से अगर हम आगे बढ़ते रहेंगे तो हमारे ऊपर पढ़ाई का लोड कम हो जाएगा, लेकिन मार्किंग उतनी ही आएगी जितनी आ सकती है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये पेपर सेटअप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए बहुत यूज़फुल होगा, और इसी हिसाब से हम आगे की वीडियो में देखेंगे, क्लासेस चलाएंगे। तो आज के वीडियो में केवल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पर।